अब आपको मिडिल ऑर्डर में फवाद आलम इज नॉट देयर, फवाद आलम की का ना होना आपके ख्याल में नुकसानदेह हो सकता है? टू मी इट लुक्स, पता क्या है? मैं समझता हूँ कि फवाद आलम को इस तरह नहीं बाहर निकालना चाहिए था। देखें, आप उस बंदे ने बहुत ही परफॉर्मेंस, 5 इंटरनेशनल सेंचुरीज भी वो कर चुका है टेस्ट मैचेस में, तो इसका यह मतलब है कि वो परफॉर्मेंस उसकी अगर नहीं हो रही थी तो आप उसको ड्रॉप अगर ना करते, टीम के साथ रखते, तो ई कुड हैव बीन एन एसेट फॉर यू, यू नो, इन द कमिंग डेज। मगर जब उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया